बल ने जब्त की मोटरसाइकिल रेलवे स्टेशन परिसर उत्तर दिशा में मालधन का रेलवे बीच के नीचे मोटरसाइकिल क्रमांक MH35T2982 को रेलवे सुरक्षा बल ने अधिकारियों ने जब्त किया है। उपनिरीक्षक विन के मेश्राम, MP राउत, प्रधान आरक्षण प्रशांत दगाई, नसीम पठान आदि ने गुप्त निगरानी करते हुए बेरक वापस जा रहे थे। रेलवे पुलिस को बाइक लावारिस अवस्था में दिखी, जब जाकर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा और जिस मालिक की वह बाइक चोरी हो गई थी पुलिस ने उनको सौंप दी है। वही दूसरी ओर से खबर आ रही है भंडारा से। रावणवाड़ी नहर की स्थिति बदहाल, तहसील की और लघु सिंचाई इस विभाग की अनदेखी की जा रही है। इस कारण पानी की बर्बादी हो रही है जिससे किसानों की सिंचाई का लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए वितरिका एवं गेट की दुरुस्ती करने की मांग किसानों ने की है। रावणवाड़ी जलाशय की मुख्य वितरिका की और संबंधित विभाग द्वारा अनदेखी की जा रही है। वही वितरिका की मुख्य गेट पुरानी है या लगातार पानी बहता रहता है। पिछले 3 साल से परिसर के किसानों ने वितरिका एवं गेट की मरम्मत करने संबंध में लघु सिंचाई विभाग की ओर से अवगत किया है, किंतु इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वही दूसरी ओर से खबर आ रही है भंडारा से ही, किसानों को बारिश की है प्रतीक्षा, धान फसल को पानी की है जरूरत। भंडारा पिछले पखवाड़ा से बारिश हुई है गायब। बारिश का सीजन समाप्त होने पर भी फिलहाल मध्यम व भारी धान को बारिश की जरूरत है। इस कारण जरूरत के समय फसल को पानी मिलने पर अच्छी फसल आएगी, इस उम्मीद से किसान बारिश की अपेक्षा कर रहे हैं। चित्रा नक्षत्र में मध्यम व भारी प्रति के धान फसल की वृद्धि तेजी से होने, किसान यूरिया खाद देते हैं, किंतु बारिश के अभाव से खाद देने का कार्य रुका है। वही तुमसर से ही धान खरीदी केंद्र शुरू करे यह पंचायत समिति सदस्य नागपुरे ने मांग की है। वर्तमान में हल्के धान कटाई का कार्य शुरू हो चुका है। सरकार द्वारा तत्काल आधारभूत धान खरीदी केंद्र शुरू कर धान को उचित मूल्य देने की घोषणा करने की मांग पंचायत समिति सदस्य हीरालाल नागपुरे ने की है। इस कारण पूर्व किसानों द्वारा केंद्रों पर धान बेचने के लिए लाने के 8 से 10 दिनों तक उनके माल को काटा नहीं होता था। इस कारण प्रत्येक केंद्र पर 2 से 3 वजन कांटे लगाए जाने की मांग की है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS News के साथ। धन्यवाद।